सीरियल नीरजा में जो बिदुन है ना, इनका अत्याचार जारी है। फॉर अ मोमेंट अगर आपको लगा था कि नीरजा हावी हो गई थी बिदुन पर, नाउ थिंग्स विल चेंज, ना ऐसा नहीं, वो पल भर की बात थी, वो पल बीत गया और नाउ बिदुन इज बैक इनटू हर फॉर्म। नीरजा की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दिदुन ने उसके चारों तरफ अपनी नजरों का पहरा बिठा रखा है। चिड़िया कहीं से भी उड़ने की कोशिश करे लेकिन वो जाल में फंस ही जाएगी। जैसे कि नीरजा भागने की कोशिश कर रही है लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती, क्योंकि दिदुन के हाथ कानून से भी लंबे हो गए हैं और उसे तो बस नीरजा से मतलब है, इसलिए वो नीरजा को कहीं भी जाने नहीं देगी। और इस वक्त दिदुन के चंगुल से छूटना नीरजा के लिए मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन सा है। वो उठाकर तेरी मदद कैसे कर रही? तुझे मेरे साथ जो करना है तो कर, लेकिन चक्री के साथ कुछ मत कर दिदुन। हाँ, दिदुन तो नीरजा की गुलाम है ना, जो नीरजा कहेगी दिदुन करेगी, ऐसा लगा तुझे? दिदुन नीरजा को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। अब देख लीजिए कि कैसे उसे सजा के तौर पर घर में बंद कर दिया है, वो भी अंधेरे में। और ये सभी जानते हैं कि नीरजा को अंधेरे से काफी डर लगता है, लेकिन कहते हैं ना, अंधेरा कितना भी हो लेकिन उम्मीद की रोशनी कहीं ना कहीं से जरूर निकलती है। और यहाँ देखिए, खिड़की से उम्मीद की रोशनी नजर आ रही है नीरजा के लिए। कोई लाख कोशिश करे लेकिन अभी तो बस दिदुन का समय चल रहा है, और दिदुन भी तो यही चाहती है कि नीरजा उसकी माँ प्रतिमा के नक्शे कदम पर चले। अब देखते हैं कि नीरजा इन परेशानियों का भला कैसे सामना करती है। ABP न्यूज़ रिपोर्ट। भैया ये सपना है या हकीकत, यही सोच रही है नताशा। आखिरकार अपने आप को चूटियां भी मारने लगेंगी अभी थोड़ी देर में। कैन यू इमेजिन, पंड्या स्टोर में नताशा की सास जो अभी तक इनके पीछे पड़ी रहती थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दे किसी तरह से, आज तो उन्होंने गले लगा लिया है नताशा को। जाहिर सी बात है वो डाउट तो करेंगी ना कि सपना है या हकीकत। नताशा धवल का खूब ख्याल रख रही है क्योंकि धवल का सर जो दुख रहा है, अब नताशा के प्यार को देखकर धवल भी उसके लिए फील करने लग गया है, उसे भी होने लगा है नताशा से प्यार। हो भी क्यों ना, नताशा उसका इतना ख्याल जो रख रही है, उसके सर दुखने पर वो उसे अपने पास सुला लेती है। लेकिन उसे सुलाते सुलाते वो खुद सो जाती है और उसे सोता हुआ देखकर धवल को भी उस पर आने लगता है प्यार। आए भी क्यों ना, वो भी उसे अब चाहने जो लगा है। नताशा को वो अच्छे से सुलाकर खुद सोफे पर जाकर लेट जाता है, उसका सारा ध्यान बस नताशा पर ही है। ये तो काफी रोमांटिक बात हो गई ना, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। अब ये सब जो भी धवल कर रहा है उसने अपने भाई की खातिर किया है ताकि उनका प्लान कामयाब हो सके। लेकिन आज धवल काफी कंफ्यूज्ड है क्योंकि वो नताशा को चाहने भी लग गया है और वो अपने भाई को धोखा भी नहीं देना चाहता। हाँ, मतलब मुझे करना पड़ा क्योंकि ये हर रोमांटिक सीन से अलग है, क्योंकि इसके पहले सारे म्यूचुअल रोमांटिक सीन्स होते थे। अभी नताशा का झुकाव थोड़ा ज्यादा है इस सीन में,
तो शी वॉन्टेड टू इंक्रीज द फैमिली, वो चाहती है कि फैमिली में हम मतलब रिश्ता आगे बढ़ेंगे, वो उसका नेचुरली आया होगा, बट मैं थोड़ा कन्फ्यूज स्टेट में हूँ क्योंकि मोड्स ने मुझे कहा है कि मुझे साइन लेनी है उससे और फिर इस रिश्ते को भी आगे बढ़ाना है, लेकिन मैं तो एक कंफ्यूज स्टेट में हूँ कि कैसे होगा, कैसे करूँ, क्या करूँ। अब आप तो जानते हैं सच ज्यादा दिन छुप नहीं पाता, और ऐसा ही कुछ हुआ धवल के साथ जब नताशा पहुँच गई धवल और अमरीश के पास, क्योंकि उसने सुन ली है सारी सच्चाई और देख लिए हैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को। नताशा को देखकर धवल और अमरीश के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो, दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड रह गए हैं। नताशा को यूं सामने देखकर, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को देखते हुए, दोनों कुछ सोचते या कुछ समझते, इससे पहले नताशा ने उनसे एक सवाल कर लिया। भाई कॉन्ट्रैक्ट तो ये है कि हमें पंड्या स्टोर चाहिए, हमारी लाइफ के स्टेप में मुद्दा ही वो बन रखा है कि हमें पंड्या स्टोर चाहिए, क्योंकि पंड्या स्टोर नहीं बनेगा तो हमारा मॉल नहीं बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट तो इस टाइम पे हमारी लाइफ के जितने भी हैं वो पंड्या स्टोर के इर्द गिर्द ही चल रहे हैं, उस पर साइन कराने की बात चल रही थी। अब इस बार तो आपका भांडा फूटते फूटते बच गया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये सच जब भी नताशा के सामने आएगा उसे काफी हर्ट होगा ये जानकर कि उसका धवल भी इसमें शामिल था। अब कहानी आगे कैसे बढ़ती है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे लेकिन हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट के बाद। प्यार में इंसान को आखिर क्या क्या नहीं करना पड़ता, अब मोहन को ही देख लीजिए, कैसे वो दामिनी के इशारों पर नाच रहा है, कभी वो उसके जूते पोंछ रहा है तो कभी उन्हें दामिनी की डांट भी सुननी पड़ रही है। अब जब दामिनी को मिल चुका है पावर तो वो इसका पूरा फायदा उठा रही है। आज उसने ठान ली है कि वो आज मोहन को अपने इशारों पर नचाएगी। पहले उसने मोहन से अपनी सैंडल को साफ करवाया, फिर देखिए कैसे हद पार करते हुए वो मोहन से ये भी कहती है कि वो इस सैंडल को उसे पहना दे। अब मोहन राधा से प्यार जो करता है वो चुपचाप दामिनी की बात को सुन लेता है, लेकिन ये सब कुछ तुलसी देख रही थी। अब चाहकर भी आज तुलसी मोहन को कुछ नहीं कह पा रही थी, क्योंकि उसे सच का पता जो लगाना था कि मोहन आखिर काम कहाँ कर रहा है। आज वही दामिनी जिसके लिए मोहन ने इतनी सारी कुर्बानियाँ दी, आज उसे वो अपना नौकर बनाकर रख रही है, तो वो देख के बहुत ही बुरा लग रहा है। वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तभी तो देखिए आखिर दामिनी के साथ क्या हो गया। लगता है दामिनी अब आपकी अकल ठिकाने पर आ गई होगी। चलिए देर सही सही, पर आपको समझ तो आ गया कि आपकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली और आपको अपनी हद में रहना चाहिए। अब जब नीचा दिखाने का सिलसिला चल ही रहा है तो मोहन भी कहाँ पीछे हटने वाले। आज उन्होंने धो डाला अपने नए मालिकों को, वो भी एकदम अच्छे तरीके से। सोच रहे होंगे कि आखिर चल क्या रहा है, तो आपको बता दें जो घर के छोटे मालिक हैं वो ये सोचते हैं कि आज मोहन पर धौस जमाना चाहिए, लेकिन मोहन को भी मौका मिल गया अपना हाथ साफ करने का। दरअसल
छोटे मालिक जो हैं, उनके कपड़ों पर सॉस गिर गया है और अब इसे किसी को तो साफ करना पड़ेगा। तो मोहन ने ही सोचा, क्यों ना इसे आज अच्छे से साफ किया जाए। अब आप ही बताइए, कपड़ों में और हमारे बीच में क्या फर्क रह गया? कभी कभार वो भूतनी हमें पिटाई करके देती है, कभी मोहन हमारी पिटाई करता है। पिटाई तो हमारी जिंदगी में लगातार लगी ही है, और अब देखो कपड़ा धोने का वो सब कुछ लेकर आया है सामान, और हमारी ही पिटाई कर रहा है वो। अभी तक किसी को नहीं पता कि आखिर मोहन कहाँ काम कर रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं ये राज राज ही रहे, क्योंकि अगर राधा को ये सब पता चल जाएगा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, वक्त के साथ ना टेलीविजन भी रंग बदल रहा है। यहाँ पर आपको अलग अलग ट्रेंड्स की स्टोरी मिल जाएगी। बहन वर्सेस बहन, यानी बहनें बनी सौतन वाली कहानी मिलेगी, और आजकल तो ये साइको लवर्स आ रखे हैं टेलीविजन पर। बहरहाल हर किसी को फैमिली व्यूइंग के लिए कुछ न कुछ मिल जाता है। हीरे और शीशे में लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं, क्योंकि हीरे से ज्यादा चमकदार शीशा होता है। जैसे कि क्रिश बाबू अभी भी पायल की झूठी खनक से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और माथे की बिंदिया जो शोभा बढ़ाती है उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। आज भी वो घर वालों के सामने पायल का हाथ पकड़कर घर छोड़ने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि क्रिश नहीं चाहता कि वो बिंदिया के साथ रहे। उसे अपनी जिंदगी में बस पायल चाहिए। अब पति परमेश्वर अगर घर छोड़कर जाए तो ऐसे में पत्नी का दिल तो जरूर भर आएगा। जैसे कि ये सुनकर बिंदिया की आंखें नम हो गई हैं, क्योंकि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि क्रिश इस तरह से कह सकता है। एक पत्नी के लिए उसका पति उसका जहां होता है, और तो और सिर्फ बिंदिया ही नहीं बल्कि क्रिश की माँ भी भावुक हो गई। उसने भी मान लिया कि पायल इस घर की छोटी बहू है, और कहते हैं ना, जब दो लोग लड़ते हैं तो अक्सर फायदा किसी तीसरे का होता है। तो यहाँ घर के कलेश में विक्रम और उसकी पत्नी अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं। हो जाता है कि विक्रम की लाइफ में वही है, हाथ को आया और मोना लगा कि उसके हर किस्सों में एक हमेशा एक किस्सा जुड़ा रहता है कि हाथ को आया और मोना लगा। तो जब भी सोचता है कि यार क्रिश आज जाएगा घर छोड़ के अपने बीवी को लेके जाएगा एंड ऑल दैट थिंग, क्योंकि इसको मतलब लाइक विक्रम और उसकी वाइफ साक्षी को, हम दोनों को इस घर में पूरा लाइक पूरा पैसा सब कुछ, मतलब लाइक हमें रईसों जैसा जीना है, और हमें इसमें से किसी को भी कोई भी उसका एक आना पैसा भी नहीं देना है। फायदा किसी का हो या ना हो, लेकिन बिंदिया को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन बिंदिया भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जरूर फाइट बैक करेगी, और अपने हक को पाने के लिए पायल की हर चाल को नाकाम बना देगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सुशांत सिंह जो हैं वो सावधान इंडिया के नए सीजन में भी नजर आने वाले हैं बतौर होस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है विद द शो वहीं पर खत्म हो जाती है जहां पर वो आके अपनी लाइनें बोलते हैं। कैसे वो तैयारी करते हैं अपने होस्ट के इस रोल के लिए और कितने इन्वॉल्व रहते हैं शो से, आइए आपको दिखाते हैं।
आज हमारे सेट पर आप सबका स्वागत है। मैं सुशांत सिंह और SBS में आज बिहाइंड द सीन्स में आपको मैं ले चल रहा हूँ सावधान इंडिया क्रिमिनल डिकोडेड के सेट पर। बिहाइंड द सीन्स देखिए क्या क्या हरकतें करते हैं हम। आइए। तो ये हमारा सेट है इस बार का, थोड़ा हमारी क्राइम लैब इंटरोगेशन रूम किस्म की एक जगह बनाई है हमने। सो क्रिमिनल को डिकोड करने के लिए थोड़ा माहौल इस तरह आप इस तरह का दे रहे हैं इस बार कि आपको लगे कि हम कहीं ऐसी जगह है जहां रिसर्च होती है, साइकोलॉजिस्ट से बात होती है, क्रिमिनल्स को इंटरोगेट किया जाता है। क्रिएटिव पार्ट जो है, जो लुक डिसाइड होता है, तो क्या कॉस्ट्यूम इस बार रहेगी, किस तरह का पहनावा रहेगा। फिर चूंकि मैं एक्टर भी हूं तो वेब सीरीज़ और फिल्में भी चलती रहती हैं, तो उसकी कंटिन्यूटी के हिसाब से क्या लुक है, उस लुक को कैसे यहां सेट किया जाए, तो वो सब भी है। ये काफ़ी डिग्निफाइड सा लुक है, बड़ा अच्छा सा है। अब मैं वो लड़का नहीं रहा हूँ, आदमी हो गया हूँ। उम्र हो रही है, 50 पार कर चुका हूँ। और पहले बाल रंगा करता था क्योंकि वो सब कंटिन्यूटी थी, फिल्मों में लुक वगैरह दिखाना उस तरह होता था। पर मेरी हमेशा कोशिश ये थी कि भाई जब सफ़ेदी आ रही है तो सफ़ेदी दिखे, उसमें बुराई क्या है। कैरेक्टर के लिए बाल रंगने पड़े वो बात अलग है, आम ज़िंदगी में मुझे वो रंग रोगन करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। उसमें कोई बुराई अच्छा ही नहीं है, जिन्हें पसंद है पसंद है, मुझे नहीं पसंद है। तो सावधान में फिर एक हद पर जाकर के मैंने विनती की कि भाई अब मैं अगर अपने असली बाल दिखा दूँ तो उसकी इजाज़त मिल गई थी। तो फिर वैसी सफ़ेदी अब तक बरकरार है, अब थोड़ी बढ़ भी गई है। बीच में कुछ शूटिंग के लिए दाढ़ी और मूछें बढ़ी हुई थी, बढ़ा भी रहा था। तो जब नया सीज़न शुरू हुआ तो ये लुक थैंकफुली चैनल को भी अच्छा लगा। हमेशा से आदत रही है, स्कूल के दिनों में बॉक्सर हुआ करता था मैं, तो तब से थोड़ा अपने शरीर पर ध्यान देने की एक आदत बन गई। खुद को मोटा देखना या बेडॉल देखना, बेडॉल मोटा तो नहीं, फिटनेस और मोटापे में एक्चुअली कोई ऐसा वो संबंध नहीं है। बहुत से लोग हैं जिनका वज़न ज़्यादा होता है लेकिन वो शायद मुझसे भी ज़्यादा फिट होंगे, ज़्यादा लचीले होंगे। तो खुद को मैं एक डील डॉल ठीक रखने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा खान पान पर ध्यान देता हूँ, रेगुलर वर्जिश, जिम वगैरह जाना ऐसा, पर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस नहीं हूँ उस चीज़ से, ठीक ठाक रहता हूँ। देखिए ये भी एक बोर्ड बनाया गया है थोड़ा सा बैकग्राउंड देने के लिए, किस तरह पुलिस स्टेशन वगैरह में या जो डिटेक्टिव्स होते हैं जासूस, वो जिस तरह से केस सॉल्व करते हैं, तो ऐसे बोर्ड्स वगैरह होते हैं, फीलिंग देने की कोशिश है। किस तरह लोग आपकी हड़बड़ी का फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये एक्चुअल में हुआ था, कहानी नहीं है। तो मैं सुबह, मुझे फ़्लाइट पकड़नी थी, अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी, ड्राइवर छुट्टी पर था, तो मैंने टैक्सी बुक की थी और टैक्सी नहीं आई ऐन वक्त पर, जो अक्सर होता है, कैंसिल कर दी उन्होंने। और फ़्लाइट छूट ना जाए, शूटिंग पर जाना था, तो मैंने अपनी गाड़ी ली और घर से थोड़े दूर तक गया कि टैक्सी कोई और मिल जाए तो मैं टैक्सी लेकर के आऊँगा, सामान रखूँगा। तो मैं गाड़ी लेकर के निकला और कहीं टैक्सी नहीं दिख रही, तो मैं एक चौराहे पर गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ, यहाँ वहाँ देख रहा था, दाएं बाएं परेशान था। तो एक आदमी नॉर्मल वॉक करते हुए जा रहा था, उसने देखा मुझे, सर क्या हुआ, सर क्या क्या हो गया। मैंने कहा, अरे भाई टैक्सी ढूंढ रहा हूँ, कहीं दिखी आपको कोई? बोले, क्या कहाँ जाना है? एयरपोर्ट जाना है भाई, मैं छोड़ देता हूँ। मैंने कहा, अच्छा आपकी कहाँ है टैक्सी? नहीं, आपकी गाड़ी में छोड़ देता हूँ। मेरी गाड़ी में छोड़ देंगे, उसके बाद मेरी गाड़ी का क्या होगा, मैं आपके घर पे आके पार्क कर दूंगा वापस। मैंने कहा, भाई आपसे दयालु इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा और देखना भी नहीं चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच। तो अगर मैं ज़्यादा हड़बड़ी में होता या कोई इमरजेंसी होती तो हो सकता है मैं हड़बड़ाहट में मान लेता उसकी बात, और फिर गाड़ी भी जाती और फ्लाइट भी जाती। जी, तो अब ब्रेक हो गया हमारा, आज ब्रेक थोड़ा लेट हुआ, 2:20 हो गया। तो ये मेहनत की रोटी है, दाल सब्ज़ी रोटी, मैं से ज़्यादा मुझे शाकाहारी खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, जो मिल जाता है वरना खा लेता हूँ।
फिर मिलेंगे। ABP News आपको रखे आगे।